फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ माय किचन। और आज हम आपके साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं मंगोड़ी आलू की सब्जी। मूंग दाल होती है, उसकी छोटी छोटी हम मंगोड़ियां बनाते हैं और वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, लेकिन बहुत ही उसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी टेस्टी बनती है और हल्की भी होती है। तो आइए देखते हैं कि मंगोड़ी आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दो आलू लिए हुए हैं मीडियम साइज के, और उनको मैंने ये ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। अगर आपको छोटे काटने पसंद है तो आप छोटे भी काट सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन हमने पौना कप या आप देख सकते हैं मंगोड़ी ली हुई है। तो ये जो है मंगोड़ियां हैं, ये इस तरह की होती हैं, बिल्कुल इस तरह की होती हैं, और ये मूंग दाल की बनी होती हैं। तो इसमें सिर्फ नमक, हींग और हल्की सी लाल मिर्च से डाल के इसका पेस्ट बनाया जाता है और उनको धूप में सुखा लिया जाता है, और ये हम लेंगे। उसके अलावा हमने यहाँ पे दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हुए हैं और उनको हमने बड़ी चॉप कर लिया है। और मसालों में जैसे कि नॉर्मल मसाले, नमक, धनिया पाउडर, जीरा, गरम मसाला, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च एक तो तीखी नहीं होती है और सबसे बात अच्छी है कि इसका कलर बहुत अच्छा आता है, और जिसको हम देगी मिर्च भी बोलते हैं। और हमने एक नॉर्मल हरी मिर्च ली हुई है, उसको हमने जो है छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, वो भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। और धनिया लिया है गार्निशिंग के लिए, और हमने यहाँ पे साथ में हींग ले रखी है, जिसको हम बोलते हैं एसाफटीडा। बॉडी है हमने घी में डाल दी है, और इसको घी में डाल के इसको हमने गोल्डन ब्राउन तक इसको रोस्ट करना है, तो ये काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे, और इसको हम कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है पहले एकदम येलो था और अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो हम गैस कर देते हैं बंद, और इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कुकर है मैंने साफ नहीं किया है, ये जिसमें हमने अपनी मंगोड़ियां भुनी थी, ये वही वाला कुकर है, और इसमें हमने तकरीबन 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया। तो फ्रेंड्स, हमारा जो घी है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, और इसमें हम 1 टीस्पून जो है जीरा डाल देते हैं, और इसके साथ साथ हम इसमें डाल देते हैं हींग। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर इसको डालते हैं तो टेस्ट जो है काफ़ी बढ़िया आता है। और हमारा जो जीरा है वो भुन चुका है, और इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च। और ये हम इसलिए डाल रहे हैं, इससे जो कलर है काफ़ी अच्छा आता है, और गैस का फ्लेम स्लो है। और हम इसमें डाल देते हैं टमाटर, और साथ ही साथ ये हरी मिर्च डाल देते हैं इसके अंदर। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप हरी मिर्च ना डालें। और इसके साथ साथ हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, और इनको आपस में हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक हमारा जो टमाटर है वो तेल ना छोड़ने लग जाए या मशी ना हो जाए। और हम गैस का फ्लेम जो है थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं, सो दैट कि जो हमारा टमाटर है वो जल्दी पक जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टमाटर है वो मशी हो चुका है, और इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून ऑफ कुरियंडर पाउडर या धनिया पाउडर, और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके साथ। और हम डाल देते हैं इसके अदरक, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। तो इसको हमने मसालों के साथ अच्छे से इसको टमाटर को फ्राई कर लिया है, और इसमें हम अपने डाल देते हैं आलू, और ये जो मंगोड़ियां हैं जो हमने रोस्ट की थी, और इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको मसालों के साथ मंगोड़ी और आलू को ऐसे ही पकने देंगे। फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट हो चुके थे, और इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो पानी का क्या हिसाब रहेगा वो आपको सब्जी जितनी पनीली या जितनी गाढ़ी पसंद है आप उस हिसाब से पानी एडजस्ट कर सकते हैं। तो तकरीबन हमने यहाँ पे 1.5 कप पानी हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो हम इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा इसलिए डालेंगे क्योंकि जब ये मंगोड़ी है जब ये पकती है तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा पानी जो है सोख लेती हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो सब्जी का कलर है वो बहुत ही रेड आया है, बहुत ही प्यारा आया है। कुकर बंद करने से पहले एक बार आप नमक जो है चेक कर लें। तो कुकर हमने बंद कर दिया, और जो फ्लेम है इसकी हम हाई रख देते हैं। तो तकरीबन हम इसमें 3 से 4 सीटी आने देंगे, और गैस हम फिर कर देंगे बंद। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं इसका जो प्रेशर है अपने आप रिलीज हो गया है, हमने निकाला नहीं था।
तो ये हम देखते हैं मेरी सब्जी की क्या हाल चाल है। वाह जी वाह। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, हमने पानी थोड़ा ज्यादा डाला है क्योंकि जो मंगौड़ियां हैं वो सारा जो पानी है वो सोख लेती हैं। हमारी जो सब्जी है बिल्कुल तैयार हो गई है, तो इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला। तो ये हम ऊपर से डालेंगे, बाद में डालेंगे। इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया। वाह जी वाह। और इसको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। तो इसको हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मंगौड़ी आलू की जो सब्जी है ये बिल्कुल तैयार है गर्मा गर्म। तो इसको आप खाइए, करारी करारी रोटी बनाइए और घी लगाइए उस पर और उसके साथ खाइए या पराठों के साथ खाइए। लेकिन जो मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, आलू मंगौड़ी की सब्जी और चावल, क्या कहने, वाह जी वाह। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। भाई मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, तो ये काफ़ी गर्म है, इसको मैं नीचे रख देती हूँ और इसको हम टेस्ट करते हैं। भाई बहुत डिलीशियस बनी है। मजा आ गया जी। तो अब देर किस चीज की, अब मैं जा रही हूं गर्मा गर्म रोटी बनाने, करारी करारी उस पे घी लगा के गर्मा गर्म सब्जी के साथ जो है लुफ्त उठाया जाएगा। तो है ना कितना आसान। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो गरम मसाला है जब सब्जी बन जाए उसके बाद ही डालें, क्योंकि तभी उसका जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया आता है सब्जी का। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अपने क्वेश्चंस, अपने एक्सपीरियंस प्लीज कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें, बिकॉज आई लव रिप्लाइंग यू ऑल बैक। और इसी तरह से मैंने काफी सारे अपने यूट्यूब पे फ्रेंड्स बना लिए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वो इसीलिए क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और उसी तरह से आप कोई भी मेरी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो अभी के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।